करोड़ रुपया मिलिया वह दसो कितने लगा करोड़ रुपया एम एन ए साहब न मिलिया वह कितने लगा वह दसे ओदा हिसाब दे। इस मैगा प्रोजेक्ट नाल मुस्लिम लीग नून का कोई तलक नहीं। असी भी पीपल असी भी हुकूमत दे विच आ असी हुकूमत तो बाहर नहीं। ये किवें क्लेम कर सकते हैं कि ये असी बनाया 50 करोड़ नूं मिलिया वह दसे कितने लाया। यह ट्रामा सेंटर है जी। यह साडा एक एम पी ए राव साहब उन्होंने उत्थे जाके अपना बोर्ड लाता जो पहली बारी हुकूमत टुटी। वह बोर्ड लाण का यह होया कि जो आ गए उन्होंने बोर्ड चुक के सड़क सुटता आ तो इन्हों का किरदार है। हाँ जी इन्हों सोचना चाहिए किसी की गल की हुई नूं सुटना नहीं चाहिए। बिल्कुल इस तरह जिस वेले पिछले काफ लीग की हुकूमत सी सियासी मुखालिफ जो हैं जो बड़े सियासतदान हैं मंजे हुए सियासतदान हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिली है तो वो कहाँ लगी है। तो मेरे ख्याल से वो सीनियर सियासतदान हैं उनको तो चाहिए उनसे इसको पता होना चाहिए जो ग्रांट लगी है जो कुछ भी है इलेक्ट्रिफिकेशन पे हुई है जो तमाम तमाम गांव हैं इलेक्ट्रिफिकेशन पे जो हुए हैं वो सारे की डिटेल है। उसके अलावा जो भी गांव देहात में जो कभी काम हुआ है कहीं पर सोलिंग का काम हुआ है कहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि अगर के नक्काशी आपका काम हुआ है या कोई और जो भी काम हुआ है सड़कों का काम हुआ है कोई भी डेवलपमेंट काम हुआ है वो सारा का सारा अपना प्रोजेक्ट के पास है महकमे के पास है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने जो भाई है ये पंजाब न्यूज़ वाले मेरे भाई हैं मियाँ भाई है शहबाज साहब हैं इनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमने काम किए हैं उसकी तमाम की तमाम डिटेल है वो आप शेयर करें स्क्रीन के ऊपर ताकि जब हमारे ऊपर कोई हमें दिल के अंदर किसी चीज़ की खोट नहीं है तो हमें कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो शेयर करें और एक को बताएं जो जो काम हुए और सबको यहाँ नज़र आने चाहिए। गल यह है कि किसी की जी डेकी है वो दसनी चाहिए है उन्होंने अगर असं मुकम्मल करा लीए तो फिर साढ़ा ना है वह भी कराई। ये जनाब यदा सब तो ज़्यादा फायदा मैनू ही सी क्योंकि मेरी तो उत्थे जायदाद है। मैं तो इस करके चाहता सी कि डबल रोड बने तुम कल वास्ते चाहते सी तुम कि डबल रोड कराई है जनाब तुसी इन्ने ही हैं तो तुहाडा तलक आ मेरा तो तलक आ गोयरे नाल। मैं तो कहना भी उत्थे तक बना दिओ ये तो जले वाले तक बननी सी मैं गोयरे के पुल तक बनाती भी बाईपास तक जोड़ दिओ जनाब वो कमिश्नर आ मेरे का भी बड़ा किरदार है जिन्होंने ये मेरी मदद की। और ये चीज़ा इतने वास्ते असी करनिया ने मैनू कहा गया इफ्तिखार चौधरी ने मैनू कहा जदों ये स्टे आर्डर जारी होया सब नूं पता स्टे हो के मेरी सूई गैस रुकी सी उस वेले चौरी इफ्तिखार दे मैं पेश होया सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहा तो तू तो हार गया इहदा फायदा तो तेरे मुखालफ नूं होएगा। मैं कहा जनाब मेरा मुखालफ इत्थे दा रहण वाला नहीं वो तो इत्थे कब्जा ग्रुप हैगा और उन्हें एक तला दे जड़ा पिंडा दे तला होंदे ने उत्ते कब्जा करके अपनी कोठी बनाई हुई है। मैं कहा जनाब उन्हां दा स्टे की इत्थे कोई नहीं जिहड़ी 3-4 किले जमीन सी उहने वेच लई है। हाँ जी एक लुटमार चाही जमीन उहदा हिसाब करदे फिरदे ने ये मैं कह रहे थे इन्हें तो रहना नहीं इत्थे इत्थे तो मैं ही रहना मैं ही मरना मैं ही जीना। इस करके जनाब ये जिहड़ा 1.25 अरब रुपया ये मेहरबानी करके रिलीज़ किया जाए और अपना स्टे तुसीं वापस लवो ताकि मेरा काम शुरू हो सके। और जनाब उन्हें स्टे वापस लिया मैं 8 दिन बाद काम शुरू कराता जो काम शुरू होया इन्हों पता लगा काम शुरू हो गया तो नवाज शरीफ को जाके पिटते रहे ने कि जनाब वो MLA भी नहीं कुछ भी नहीं काम करा रहा। बी मैं अपने आवाम के वास्ते काम करा रहा मैं पैसे लैके आया पैसे 3.5 अरब रुपया दवाया काम कराया थोड़े को तो भी मुकम्मल ना हो सकया तुम चौधरिया के जड़े है मीटर लवा गए हो गरीब किसी का मीटर नहीं लगा। ये काफ़ी सारे देहात हैं मेरे ख्याल से 8-10 देहात हैं जो कि साकिब निसार साहब की वजह से आकर उनकी एक कम नज़री की वजह से या उनकी एक शख्स के साथ मोहब्बत की वजह से उन्होंने हमारे उस प्रांत के काम जो है रुकवा दिए थे और उसके बाद उन कामों पर बिल्कुल रोक दिया गया। और पिछली जो हुकूमत के अंदर जो यहाँ के नुमाइंदे थे उन्होंने भी जाकर उन काम को आगे जारी सारी नहीं रखा
उन्होंने भी जाके काम को रुकवा दिया, जो कि अल्लाह के करम से नबी पाक के सदके से अभी हमारी गवर्नमेंट आई है मियाँ शहबाज साहब की क़यादत में और मियाँ नवाज शरीफ साहब के विजन के तहत। वो सारे काम हमने दोबारा शुरू किए हैं, जो भी काम नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा नबी पाक के सदके से इंशाल्लाह ताला दोबारा शहर की गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन के बाद, मियाँ नवाज शरीफ साहब के विजन के हिसाब से, मियाँ शहबाज साहब की हार्ड वर्किंग और उनकी जो मेहनत की, जो लोगों को पता है, लोगों ने देखा है, लोगों ने ये वो बातें किसी को बताने दूरी, लोगों को नज़र आ रही है, हर एक को नज़र आ रहा है, जो एक लोगों में बैठे हुई थी बातें कि पिछली गवर्नमेंट के जो रहनुमा थे वो आएंगे, बड़ा पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे, उन्होंने तो पाकिस्तान को नोज डाइव डाल के पाकिस्तान को कि मैशत भी है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल तौर पर भी बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचाया है, उनको दाखिली तौर पर भी, खारजी तौर पर भी, हर तरह से उन्होंने नुकसान ही पहुँचाया है। इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान दोबारा तरक्की भी करेगा, खुशहाल भी होगा और बेहतर भी होगा।